हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 15 एमसीक्यूज व्हिच इज़ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यूजीसी नेट सेट पीजीटी एमए जीडीसी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स एंड सो मैनी एग्जाम्स व्हिच इज़ रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, ठीक है। एंड जो ये वीडियो होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, बट मैं इनको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए कन्वर्ट भी करने वाली हूँ हिंदी में। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड पहले खुद से सॉल्व करने की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन इज़ Who has given the term subaltern history? किसके द्वारा ये टर्म दिया गया, दलितों का इतिहास या फिर subaltern जिसे हम बोलते हैं, जो कि दबे कुचले वर्ग के लोग होते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे लीला दुबे, ए आर देसाई, रंजीत गुहा, के एल शर्मा। टर्म जो है ध्यान से देखिए, subaltern पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लीला दुबे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लीला दुबे ने ये टर्म दिया था। ओके, एक मिनट, सॉरी, आंसर गलत है, लीला दुबे नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा रणजीत गुहा। प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए, सी है आंसर इसका, सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। रणजीत गुहा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू इज़ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप ऑफ एक्सचेंज इज गिवन बाय हु? विनिमय के प्रकारों के बात कौन करते हैं, लेवी स्ट्रॉस, हैरी जेम्स, कार्ल पॉपर, मेलिनोवस्की? विनिमय के प्रकारों की बात किसने की थी, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज? द आंसर इज लेवी स्ट्रॉस, ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेवी स्ट्रॉस ने ये जो टर्म है और इसकी बात भी वो करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु टॉक्स अबाउट ऑन अ सब्जेक्ट दैट इज़ टेम्पल आर्किटेक्चर? इनमें से टेम्पल आर्किटेक्चर, जो मंदिर मंदिर जो वास्तुकला है, उस पर कौन बात करते हैं? जी एस घुरे, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा था और बताया भी था। जी एस घुरे, एन के वोस, आर के मुखर्जी, नन। तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में काम किया गया जिस सब्जेक्ट पर, वो करते हैं एन के बोस, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एन के बोस द्वारा इस पर काम किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुक का नाम है एक फीडिंग द बनिया, बुक का नाम है फीडिंग द बनिया, इस बुक के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? सुरजीत सिन्हा, एन के बोस, बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्डीमैन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन के बोस, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फीडिंग द बनिया बुक लिखी थी हमारे एन के बोस द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, होमो हायरार्किकस बुक का लेखक कौन है, होमो हायरार्किकस? ऑप्शंस आर लुइस जुमो, लुइस हेनरी मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस जुमो इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस बुक। नेक्स्ट इज एक और बुक का नाम दिया गया है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, इस बुक के लेखक कौन है, एम एन श्रीनिवास, के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे, एस सी दुबे? तो इस बुक के लेखक जो हैं वो हैं एम एन श्रीनिवास, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर के लेखक हैं एम एन श्रीनिवास, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज़ एजिल मॉडल किसने दिया था, पेरेटो ने, मर्टन ने, पार्सन ने, डेविस एंड मूरे ने? तो एजाइल मॉडल दिया था टॉलकर्ट पार्सन द्वारा, ठीक है। एंड इसको अगर हम बोलें तो ए फॉर हो जाता है एडेप्टेशन, जी फॉर हो जाता है गोल अटेनमेंट, आई फॉर इंटीग्रेशन, एल फॉर लेटेंसी, ये ध्यान रखिएगा इसी ऑर्डर में। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली इन दिस टॉपिक हु टॉक्स अबाउट, जॉइंट फैमिली पर किससे किनका काम है जो कि इस ऑप्शन में दिए गए हैं। जॉइंट फैमिली जिसे हम बोलते हैं, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली जैसे जिसे हम बोलते हैं एकल परिवार, और जॉइंट फैमिली जो होती है जिसमें सब लोग साथ में मिलकर रहते हैं, ठीक है। इरावती कर्वे, मजूमदार, ए एम शाह, आई पी देसाई, तो जॉइंट फैमिली पर काम किया गया था इरावती कर्वे द्वारा, ठीक है। उन्होंने बुक भी लिखी है बहुत ही फेमस इस पर। नेक्स्ट है ए एम शाह, ए एम शाह ने, ए एम शाह की बुक का नाम पूछा जा रहा है,
कौन सी बुक है? द फैमिली इन इंडिया, इंडियाज़ फैमिली, फैमिली इन इंडिया, द फैमिली। तो ए एम शाह की बुक का नाम जो था वो है करेक्ट, बुक का नाम द फैमिली इन इंडिया, ए जो है इसमें राइट आंसर है, ठीक है, ए एम शाह की बुक का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एस्क्राइब्ड स्टेटस इज, एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? एस्क्राइब मतलब होता है प्रदत्त, ठीक है, बाय बर्थ होता है जन्म के द्वारा जो मिला होता है, बाय अचीवमेंट योग्यता के अनुसार, बोथ दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय बर्थ हमें एस्क्राइब्ड स्टेटस मिलता है और अचीव्ड मिलता है हमें बाय अचीवमेंट। नेक्स्ट इज हॉबहाउस थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ व्हाट। हॉबहाउस द्वारा जो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी उसमें वो किसकी किसके विकास को बताते हैं, किसके डेवलपमेंट को बताते हैं? टेक्नोलॉजी के, नॉलेज, वेल्थ, प्रॉपर्टी। टेक्नोलॉजी तकनीकी, नॉलेज ज्ञान, वेल्थ हो जाती है हमारे पैसा, प्रॉपर्टी हो जाती है, आप सभी जानते हैं घर, घर वगैरह, घर जमीन जायदाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का नॉलेज, ऑप्शन बी। हब हाउस ने नॉलेज, मॉरल्स, इन सब चीज़ों पर काम किया था। नेक्स्ट इज हु सेड सोशियोलॉजी एज द साइंस। किसके द्वारा कहा गया कि सोशियोलॉजी एक तरीके की साइंस होती है, विज्ञान होता है? हेनरी पॉइंटकेर, थॉमस हक्सले, हेनरी मैन, रॉबर्ट मार्कस। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी पॉइंटकेर इज़ द करेक्ट आंसर। उनके द्वारा ये कहा गया था सोशियोलॉजी एज द साइंस। नेक्स्ट इज 13, हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। किसके द्वारा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया गया था? कार्ल मार्क्स, टेलकट पार्सन, मैक्स वेबर, मर्टन। ईजी क्वेश्चन है पर बहुत लोग पार्सन्स और मैक्स वेबर में कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैक्स वेबर द्वारा ही ये दिया गया, उसके बाद पार्सन ने फॉलो किया था मैक्स वेबर को। बट अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो हम जाएंगे वेबर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज हु गेव द थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स। किसके द्वारा सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत दिया गया था? मीड, स्पेंसर, इमाइल डर्खाइम, ऑगस्ट कॉम। तो सोशल फैक्ट की बात करते हैं इमाइल डर्खाइम, वो सोशल फैक्ट को एज अ थिंग मानते हैं, एक एक तरीके की चीज़ों की तरह। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हर्बर्ट मार्कस, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम, नन ऑफ द अबव। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, जो कि डार्विनिस्ट थे, इन्होंने डार्विन को फॉलो किया था, जो कि बायोलॉजी में उन्होंने काफ़ी काम किया था डार्विन ने, और उन्हीं का देखते हुए स्पेंसर ने सोशियोलॉजी में भी ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में ईजी क्वेश्चन भी थे और थोड़े से मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस भी थे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। आपको इस चैनल पर बहुत से एमसीक्यूज मिलेंगे एंड मैंने पहले भी बहुत से बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।